असल में जमीनी सरकार जो है, भाजपा जो सरकार है, वो आम आदमी की जो बुनियादी चीजें हैं, उनको मूलभूत जो सुविधाएं उनको खत्म करती जा रही है। बिल्कुल करेंगे जनाब, आम जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कब तक चुप लगाएंगे। तो फरीदाबाद में एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी फरीदाबाद प्रशासन की होगी। हम सड़कों पे होंगे, फरीदाबाद प्रशासन संभाले। मेरे को रेफर कर दिया बीके हॉस्पिटल से दिल्ली के लिए, और दिल्ली से बीच में दलाल बैठ गए, दलालों ने उनकी बॉडी की तस्करी कर दी, मर गया। उसको पता ही नहीं चला मेरा आदमी जो पेशेंट है वो किस कारण से मर गया। देखिए माननीय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप शोषित वंचित गरीब समाज की आवाज़ उठाने का जो आप काम कर रहे हैं, उसके लिए पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा। फरीदाबाद में बहुत बड़ा मामला है, ये बीके हॉस्पिटल जो स्टाफ से जुड़ा हुआ है, और प्राइवेट हॉस्पिटलों की मिलीभगत और बीके हॉस्पिटल की जो स्टाफ की मिलीभगत से आम मरीजों के साथ, जनजीवन के साथ खिलवाड़ चल रहा है। हो सकता है इनके अंग तस्करों का खेल हो। कितने ही लोग जो मर चुके हैं, उनकी जांच कभी नहीं हुई। बीके हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो मरीज को रेफर कर दिया जाता है दिल्ली के लिए, बट प्राइवेट हॉस्पिटल में सेटिंग करके उनको वहीं छोड़ दिया जाता है, और फिर खेल चालू हो जाता है। इसमें डॉक्टर की क्या गलती? डॉक्टर की गलती क्यों नहीं है सर? अगर जिस आदमी को भेज दिया, रेफर कर दिया बीके हॉस्पिटल के लिए, तो एम्बुलेंस का जो स्टाफ है, फ्लीट मैनेजर है, ये इनके क्या मतलब होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दे? जिस गाड़ी में एम्बुलेंस सरकार पैसे दे रही है CNG भरने के लिए, और वो ही सरकार रिकॉर्ड, उनके जो एजेंट है, रिकॉर्ड में से सरकार के नाम पे पैसे खा रहे हैं, और रिकॉर्ड में दिखाई जाती गाड़ी 65 किलोमीटर चल रही है, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है केवल 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रयाग हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है। बहुत तगड़ा खेल है। जिस मामले को लेकर हम माननीय राज्यपाल जी महोदय को हम एक लिखित ज्ञापन सौंप रहे हैं DC फरीदाबाद के माध्यम से, अगर जल्द से जल्द इन मामलों को उजागर नहीं हुआ, इस पर कोई SIT नहीं बैठाई जाती है, तो फरीदाबाद में एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी फरीदाबाद प्रशासन की होगी। हम सड़कों पे होंगे, फरीदाबाद प्रशासन संभाले। कब तक होगा सर ये? अभी हमने केवल 10 दिन का 15 दिन का अल्टीमेटम टाइम दे रहे हैं। ये हम DC महोदय को अवगत कराना चाहेंगे कि ऊपर हमारी जो बात है वो भेज दी जाए। बिल्कुल करेंगे जनाब, आम जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कब तक चुप लगाएंगे? कुलदीप जी, फरीदाबाद रेफर मुक्त एक अभियान चला हुआ जी, अगर वो पहली बार रेफर बुक हो जाता तो मेरे ख्याल से ये समस्या नहीं होती। असल में जमीनी सरकार जो है, भाजपा जो सरकार है, वो आम आदमी की जो बुनियादी चीजें हैं, उनको मूलभूत जो सुविधाएं, उनको खत्म करती जा रही है। एक आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाएगा? बादशाह कौन अस्पताल, सरकारी अस्पताल, उसके पास अगर प्रॉपर तरीके से पैसे हो, इलाज के पैसे हो, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएगा। गरीब आदमी हॉस्पिटल पहुंचता, सरकारी हॉस्पिटल से पता पड़ा कि भाई मेरे को रेफर कर दिया बीके हॉस्पिटल से दिल्ली के लिए, और दिल्ली से बीच में दलाल बैठ गए, दलालों ने उनकी बॉडी की तस्करी कर दी, मर गया। उसको पता ही नहीं चला मेरा आदमी जो पेशेंट है वो किस कारण से मर गया। आयुष्मान भारत को लेकर क्या कहोगे? आयुष्मान भारत का देखिए, उनमें जागरूकता अभियान की बहुत जरूरत है। जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, उन लोगों को पता ही नहीं हमारे आयुष्मान पे कौन कौन से पैनल पे हॉस्पिटल है। वो एक दो हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया, हमारे पैनल पे नहीं है, तो वो बेचारे पे धक्का खाट के फिर वही हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल पहुंचेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, चाह रहा हूं, सरकार का पूरी तरीके से इसमें फेलियर है, सरकार पूरी तरीके से विफल रही है अपने हर काम में।